हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय सेकंड ब्लॉग। मेरे को मालूम है कि आप वेट कर रहे थे बहुत टाइम से, कुछ लोग, बाकी को तो मालूम भी नहीं था कि मेरा ब्लॉग आने वाला है। तो सबसे पहले तो वेलकम, और दूसरे ये कि ब्लॉग देखने से पहले प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब करो और ये ब्लॉग को लाइक ज़रूर करना। ये मेरा सेकेंड ब्लॉग है, फर्स्ट ब्लॉग को आपने बहुत सारा प्यार दिया मेरे बाकी वीडियोज़ के से ज़्यादा, तो इस ब्लॉग को भी बहुत ज़्यादा प्यार देना प्लीज़। और आप ये सोच रहे हो कि क्यों मैं इतनी अजीब सी लग रही है, हाँ मैं थोड़ा मेकअप कर रखी थी क्योंकि मेरे को एक ब्रांड का प्रमोशन करना था, तो इसी वजह से थोड़ा वेयर्ड वेयर्ड लग रहा था। फिर मैं बोली कि चलो ब्लॉग का स्टार्ट भी कर देते, क्योंकि ब्लॉग बनाया था लेकिन स्टार्ट का कुछ बनाया नहीं था, तो इसलिए स्टार्टिंग के लिए कुछ बना लिया है। ब्लॉग है रिगार्डिंग हेयर ट्रीटमेंट, जो मैंने हेयर ट्रीटमेंट कराया है वो आपको भी बहुत हेल्प करेगा। और ये यूनिसेक्स है, मतलब है कि लड़के और लड़के दोनों के लिए, ऐसा नहीं है कि मैं लड़कियों के करा रही हूँ तो हाँ ये लड़कियों को तो नेचुरली हर टाइम तो पार्लर में ही दिखते हैं, तो नहीं ये लड़के भी करा सकते हैं, और लड़की के साथ लड़कों को भी ये प्रॉब्लम्स होती है। तो एक बार ही आप देखना, और मेरे घर के पास एक VLCC सैलून खुला हुआ है, तो मैं सोची कि उस एक्सपीरियंस लेता है, अगर कुछ अच्छा सा हुआ तो आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत लोगों को कम नॉलेज होता है। लोकल मेरे ज़्यादा लोग हैं मेरे को मतलब सब्सक्राइब करने वाले, तो उनको भी हेल्प हो जाएगी। तो वीडियो को आगे देखना और उसके लिए बहुत सारा प्यार देना वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लॉट्स ऑफ लव। लो भाई, अब मैं ये VLCC दिख गया जो कि मेरे घर के बहुत करीब है, और मैं यहाँ से जा रही हूँ और मैं पहुँच भी जाती हूँ क्योंकि वो मेरे घर के सामने पड़ता है एक साइड से, और ये ऊपर से रास्ता जाता है अंदर जाने के लिए सैलून ऊपर के साइड में। तो अभी मैं अंदर जा रही हूँ, और इनके जो पोस्टर्स वगैरह लगे हैं ना बहुत अच्छे लगे हैं भाई, मेरे को तो बहुत अट्रैक्ट करते कि ये भी करा लो वो भी करा लो। एंट्री लेने के साइड पे मैं पूछती हूँ कि हाँ कोई है क्या, क्योंकि पहले खाली रहता है, और ये गोल्डी मेरा आईब्रोज बना रही है, और ये हर लड़की कराती है कि जब भी वो पार्लर जाए हर महीने तो आईब्रो बनवाना ही पड़ता है, क्या करें, लुक्स गुड। और ये सच में बहुत पेनफुल होता है। तो भैया क्या प्रॉब्लम है मेरे हेयर में? आपका मैम स्कल्प प्रॉब्लम है, जिससे आप डैंडर ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। हमारे पास एक क्लियर डोज है, उससे आपका स्कल्प अच्छा सा खासा क्लीन हो जाएगा। बस और कितना टाइम का प्रोसेस लगता है इसमें? मैम 45 मिनट से है जी, और उसके बाद से फिर जैसे आप देख रहे हैं भैया ने बोला है कि ट्रीटमेंट करने के बाद उसके बाद देखते हैं रिजल्ट क्या होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और यहाँ से मेरा प्रोसेस स्टार्ट होता है। नॉर्मली पहले ये हेयर को वॉश करना स्टार्ट करते हैं, अभी तो भैया नॉर्मल वाटर यूज़ कर रहे हैं ताकि मेरा हेयर पहले अच्छे प्रॉपर तरीके से गीला हो जाए, फिर आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। फिर इन्होंने VLCC का शैम्पू यूज़ किया है मेरे हेयर को वॉश करने के लिए, और सच बताऊँ तो मेरा हेयर बहुत ज़्यादा गंदा था। मैं इतना वॉश करती थी फिर भी उसमें डैंड्रफ की वजह से अजीब से मतलब स्टिकी रहता था। और ये मेरा लुक जो कि मैं बहुत ज़्यादा फनी लग रही हूँ, मेरे को मालूम है, और मेरे को खुद को मैं फ़नी लग रही हूँ, बाकी का पता नहीं। और ये भैया ने एक केमिकल मिक्स वाटर यूज़ किया था, मैंने भैया से पूछा भी कि क्या ये नॉर्मल वाटर है या क्या है, तो उन्होंने बताया ये केमिकल मिक्स वाटर है। और उसके बाद से ये क्लियर डोज का कुछ क्रीम वगैरह है जो कि यूज़ करेंगे डैंड्रफ रिमूव करने के लिए, और भैया मेरे को बताते हैं। और ये एक एक सेक्शन लेके कितना प्रॉपर वे में एक एक सेक्शन लेके स्कैल्प पे लगा रहे हैं, देख रहे हो आप कितना मतलब मेहनत है, लेकिन आपके हेयर को सच में प्रॉपर तरीके से डैंड्रफ को रिमूव करेगा स्कैल्प पे लगाना। और ये मैं भैया से बोल रही थी कि इचिंग स्टार्ट होने के बाद से मेरा हेयर फॉल ना हो जाए, तो भैया बोले थे नहीं होगा। और फिर वापस ये केमिकल यूज़ किया है कितने अच्छे तरीके से, मतलब ये स्प्रे यूज़ करने के बाद से सबसे बेस्ट चीज़ यहाँ पे था ये मसाज। जब मसाज स्टार्ट किया ना तो सच में मेरे को तो थोड़ी देर के लिए नींद आने लगी थी कि मैं सो जाऊँ, क्योंकि मैं इतनी थकी थकी सी थी, फिर मेरे को रिलीफ लग रहा था। गाइज अभी जैसे देख सकते हैं ये मेरा टकली जैसे दिख रही हो, तो अभी मेरा ये हो गया है डैंड्रफ का मतलब लगा है, कुछ 10-15 मिनट लगेगा, उसके बाद से देखते हैं रिजल्ट के डैंड्रफ कितना रिमूव होता है स्कैल्प से। फिर मसाज करने के बाद ये मेरे हेयर को वॉश किया था, फिर वॉश करने के बाद से
एक एक सेक्शन को हैंड से ही मतलब ऐसे कर रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा वाटर है वो रिमूव हो जाए, ड्रायर यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि मेरे को नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट प्रोडक्ट भी ये लगाएंगे। और नेक्स्ट प्रोडक्ट ये देखो ये लगाया है इन्होंने, कोई डैंड्रफ के लिए ही है। फिर लगाने के बाद यहाँ देखना कैसे करें, उन्होंने कॉटन में डिप करके मेरे स्कैल्प पे लगाना स्टार्ट कर दिया था। ये कॉटन में डिप किया था, फिर स्कैल्प लगाया था, फिर दूसरा कस्टमर आया और भैया मेरे को छोड़ के यहाँ चले गए। भैया मेरे को छोड़ के चले गए यहाँ पे। हाउ बैड, तुम मेरा वीडियो नहीं देखा। और ये लॉरियल का हेयर स्पा स्मूदनिंग क्रीम है जो कि अभी मेरे हेयर पे यूज़ करेगा, क्योंकि मैं स्पा कराने जा रही थी, क्योंकि डैंड्रफ ट्रीटमेंट के बाद हेयर ड्राई हो जाता है, तो आपको स्पा कराना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप कभी भी कराना तो स्पा ज़रूर कराना, और ये सच में बहुत ज़्यादा अच्छी क्रीम है। और भैया ये धीरे धीरे मेरे एक एक सेक्शन में लेके ये क्रीम को अप्लाई कर रहे हैं और साथ में कॉम कर रहे हैं ताकि वो प्रॉपर वे में अच्छे से लगे। एक एक सेक्शन को देखो कैसे डिवाइड कर रहे हैं ताकि कोई मिक्स मैच ना हो जाए और सब स्मूथ स्मूथ रहे। पूरे भैया ने बहुत अच्छे से किया सच में। आप देखो करके तो धीरे धीरे वो स्पा क्रीम अप्लाई हो रहा है ताकि अच्छे से वो अप्लाई हो। और स्पा क्रीम के बाद ये देखो ये स्टीम दे रहे हैं, स्टीम दे रहे हैं इसको ताकि प्रॉपर में हेयर को एकदम खिला खिला सा निकले। और साथ में इन्होंने मेरे को कॉफ़ी दी क्योंकि मेरे को सच में नींद थी। इतने अच्छे मसाज के बाद नींद किसको नहीं आएगी। और कॉफ़ी पीते पीते ये ऑनर आ गई यहाँ पे, तो वही मैं बोल रही थी ये ऑनर को देखो बिना मेकअप के कभी भी रहती है, इनको तो कोई फ़र्क ही नहीं रहता। चिल है, चिल चिल काजल दी सच में बहुत चिल है। अब उसके बाद सारा प्रोसेस होने के बाद फाइनल मेरा हेयर वॉश हो रहा है। हेयर वॉश होने स्टार्ट हो चुका है क्योंकि ज़्यादा ही एक्सेस उसमें ज़्यादा ही ज़्यादा क्रीम लग गई थी। भाई जब वॉश हो रहा था तो मेरे को ऐसा लग रहा था कहीं कोई क्रीम छूट ना जाए, लेकिन प्रॉपर तरीके से भैया ने वॉश किया और ये मेरे खिले खिले बाल जो हवा में उड़ रहे हैं। इन्होंने तो एक मोदी फैन भी लगा रखा था भाई, जो कि इतने स्पीड में चल रहा था। और ये देखो कितने अच्छे से मेरे हेयर हो गए। आप वीडियो के स्टार्टिंग में देखना और अभी में देखना कितने देख सकते हैं। ये मेरा फाइनल लुक है और मैं आने से पहले कितने गंदे मेरे बाल थे वो आप वीडियो में देखा होगा स्टार्टिंग में, और अभी देखो कितना स्मूथ सिल्की। और ये कितने दिन चलेगा, जैसे भैया ने बताया था कि 15 डेज पे स्पा कराना चाहिए, तो हर 15 डे पे स्पा करा क्योंकि मैंने डैंड्रफ का ट्रीटमेंट भी लिया है, मालूम ही है कंपल्सरी था मेरे हेयर के लिए। तो आप भी जाना, अगर आप सिवान में रहते हो तो प्लीज़ ट्राई करो यहाँ पे आके, क्योंकि मेरे को तो यहाँ की सर्विस अच्छी लगती है। अभी एक बार ट्राई करना और मेरे को DM करना, बताने कैसा लगा।